वेलकम टू माई चैनल, मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में, जो कि यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में, तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है Redmi Note 8 Pro। और यहाँ पे मैं ही बात करने वाला हूँ जो कि Cherry OS के बारे में। वर्जन 3.5.2 मिल जाता है, Android 12L मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है 5th of March का। तो यहाँ पे मैं इस रॉम के बारे में बात करने वाला हूँ, इस रॉम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, और यहाँ पे गेमिंग के मामले में रॉम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ जो कि एंट्रोडो बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंट्रोडो बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा जो कि 2,96,000, जो कि कंपैरिजन वाइज MIUI आपका यहाँ पे स्कोर जो है थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आपका यहाँ पे एक स्टॉक कैमरा मिल जाता है जो कि आप ANX कैमरा कह सकते हो। इसके अंदर आपको यहाँ पे सभी कुछ वर्किंग मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो अलव और उसके बाद क्लोज और यहाँ पे ओपन करना है। आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रो मोड, जो कि प्रो मोड में यहाँ पे 64 मेगापिक्सल्स का आपको यहाँ पे लेंस मिल जाता है और यहाँ पे वर्किंग मिल जाता है। उसके बाद वीडियो अल्ट्रा वाइड एंगल में भी यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और उसके बाद फोटो और यहाँ पे पोर्ट्रेट आई थिंक वर्क नहीं होगा, जो कि यहाँ पे पोर्ट्रेट बहुत बार यहाँ पे मैं ट्राई कर चुका हूँ लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल क्लियर करना है, फिर से ओपन करना है ANX कैमरा को, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है मोव में 64 मेगापिक्सल नाइट मोड मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ये भी वर्किंग नहीं है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे फुल्ली रीसेट क्लोज करना है, आप यहाँ पे बेशक फिर से यूज़ कर सकते हो जो कि यहाँ पे कैमरा को। उसके बाद कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा पे इंस्टॉल्ड करके यूज़ कर सकते हो, जो कि नाइट साइड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप डार्क में भी थोड़ा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद पोर्ट्रेट और यहाँ पे आपको मिल जाता है कैमरा, तो यहाँ पे देख सकते हो पोर्ट्रेट। उसके बाद कैमरा वीडियो जो है 1080 पिक्सल्स है, यहाँ पे 4K 30fps ओके यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया गया है, जो कि 4K HD में यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सके ऐसा। उसके बाद यहाँ पे मोर में पैनोरामा फोटोस्केप स्लो मोशन आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, बेशक आप स्लो मोशन यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट आप यहाँ पे चाहो तो और एक गूगल कैमरा भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे 3-3 कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो है दोनों इनबिल्ट है, 1-2 इनबिल्ट है, यहाँ पे मैं ये इंस्टॉल किया हूँ जो कि देख सकते हो। इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो तीनों कैमरा आप बेशक यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर स्लो मोशन, उसके अंदर 4K, उसके बाद भी इसके अंदर भी 4K आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पे पोर्ट्रेट दोनों में वर्किंग है, इसके अंदर वर्किंग नहीं है। तो यहाँ पे आपको प्योर एंड्रॉयड मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई भी पेस नहीं मिलता है। कैमरा सिंपल आपको यहाँ पे तीनों कैमरा मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे डुअल 4G वोल्टी बेशक यहाँ पे वर्किंग है, वाईफाई हॉटस्पॉट्स ब्लूटूथ तीनों यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाता है, और यहाँ पे आपको डार्क थीम का भी सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे लाइट थीम को भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि Cherry सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो डबल टैप स्टेटस बार टू स्लीप आपको मिल जाता है। उसके बाद नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, जो कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप अनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेटस बार पे, जो कि देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड अवेलेबल हो चुका है। और यहाँ पे आप क्लॉक को राइट लेफ्ट या आप यहाँ पे जो कि सेंटर और हाइडन भी रख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक का कस्टमाइजेशन मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आपका डेटा यहाँ पे डिसेबल है तो आपको यहाँ पे आइकॉन में शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे 4G को LTE कर सकते हो, LTE को 4G कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वोल्टी आइकॉन्स को आप अनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, और उसके बाद वाईफाई कॉलिंग आइकॉन को भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रोमिंग इंडिकेटर, उसके बाद स्मॉल मोबाइल टाइप आइकॉन आपको मिल जाता है, कंबाइंड सिग्नल आइकॉन मिल जाता है, कलर्ड स्टेटस बार आइकॉन मिल जाता है, उसके बाद बैटरी आइकॉन आप देख सकते हो, परसेंटेज को आप यहाँ पे नेक्स्ट टू द आइकॉन रख सकते हो, स्टेटस बार आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद क्विक सेटिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि देख सकते हो इतना सारा कस्टमाइजेशन है। उसके बाद यहाँ पे थीम भी मिल जाता है, जो कि यूज़ ब्लैक थीम, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, लेकिन ये आई थिंक वर्क नहीं हो रहा है, ओके नहीं वर्क नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको मिल जाता है मोलिट इंजन, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद डार्क थीम का भी सपोर्ट मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन बॉडी, जो कि फाउंट चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आइकॉन पैक चेंज कर सकते हो, आइकॉन शेप भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद सिग्नल स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, वाईफाई का आप यहाँ पे आइकॉन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे थीम का आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे बटन्स एनिमेशंस मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको, उसके बाद लॉक स्क्रीन, और यहाँ पे आपको मिल जाता है पॉप मेनू, उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आपको मिसलेनियस में यहाँ पे गेमिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है।
और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग एनिमेशन, जो कि यहाँ पे चार्जिंग के टाइम पे आपको एनिमेशन शो होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल, अडेप्टिव ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पे ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फॉर्मेशन आप एनेबल कर सकते हो, जो कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे टाइम एंड और यहाँ पे टाइम देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अंदर शो करेगा। उसके बाद स्क्रीन टाइम आउट, डार्क थीम, और यहाँ पे फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्मॉलेस्ट फिट, नाइट लाइट, इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके आप अपने आँखों को यहाँ पे आप बचा सकते हो। ऑटो रोटेशन, एम्बिएंट ईक्यू मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन सेवर, टैप टू वेक, और यहाँ पे वेक ऑन प्लग, और यहाँ पे डिस्प्ले कटआउट्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉलपेपर, एप्स, नोटिफिकेशन, बैटरी, और यहाँ पे बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि बैटरी बैकअप यहाँ पे नॉर्मल आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद स्टोरेज, साउंड, और यहाँ पे यूटिलिटीज़ में यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि आप कह सकते हो एक्सेसिबिलिटीज मेनू। उसके बाद लाइव ट्रांसलेट, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा, आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी है ऑप्शन सेम मिल जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पे मिल जाता है फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है, तो दोनों यहाँ पे आपको मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों इन्वॉल्व हो चुका है। तो फर्स्ट फिंगरप्रिंट, टैप अनलॉक, जो कि यहाँ पे आपको अनलॉकिंग के टाइम पे यहाँ पे साउंड अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके बाद फेस अनलॉक, जो कि देख सकते हो, और यहाँ पे फेस अनलॉक, यहाँ पे थोड़ा फेस अनलॉक में यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पे थोड़ा डिले हो रहा है, और यहाँ पे आपको फेस अनलॉक जो है यहाँ पे थोड़ा रीडिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। कभी कभी अनलॉक हो जाता है, कभी कभी अनलॉक नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे ऐप पिनिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। प्राइवेसी, लोकेशन, सेफ्टी, इमरजेंसी, अकाउंट्स, गूगल आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे वेलबींग, जो कि यहाँ पे डिजिटल वेलबींग कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गूगल, और यहाँ पे सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे जेक्सेस का सपोर्ट मिल जाता है। क्विक ओपन, कैमरा सिस्टम, नेविगेशन, उसके बाद यहाँ पे आप जेक्सेस यूज़ करना है तो जेक्सेस यूज़ कर सकते हो। थ्री बटन नेविगेशन, टू बटन नेविगेशन मिल जाता है। वन हैंडेड रिमोट, उसके बाद प्रेजेंट होल्ड पावर की से आप यहाँ पे जो असिस्ट को ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे थ्री फिंगर से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डबल टैप अगर आप करोगे तो यहाँ पे फ़ोन को चेक कर सकते हो, जो कि नोटिफिकेशन आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। प्रिवेंट रिंगिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। डेवलपर्स का ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद बेगुनिया पार्ट्स मिल जाता है, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट साउंड इनहेंसर मिल जाता है, जो कि यहाँ पे हेडफोन चूज़ कर सकते हो, इक्वलाइजर चूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है, जो कि यहाँ पे प्रोफाइल आपको मिल जाता है 1K, 10K, 100K, और आपको यहाँ पे गेम और यहाँ पे पावरफुल, सुपर पावरफुल मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे 464 मेगापिक्सल आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि सपोर्टेड ओनली बाय अडेप्टिव कैमरास। और उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा आप देख सकते हो, FPS को भी आप अनेबल कर सकते हो। उसके बाद एम्बिएंट डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे हैंड वेव पिकअप, पॉकेट मोड, प्रॉक्सिमिटी वेक, उसके बाद हैप्टिक फीडबैक, और नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि अबाउट फोन में मिल जाता है। यहाँ पे चेरिस OS वर्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, एंड्रॉयड 12L मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे वर्शन देख सकते हो चेरिस OS का 3.5.2, और यहाँ पे 5th March का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इस रॉम के बारे में कंप्लीट बता चुका हूँ, और आपको यहाँ पे कोई भी बग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे तीन कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे 2 गूगल कैमरा और उसके बाद एक ANX कैमरा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको गेमिंग के मामले में कैसा है रोम, और यहाँ पे FPS कितना आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा है, सब कुछ आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग की बात कर लूँ, तो यहाँ पे आपको जो है स्मूथ के साथ, एक्सट्रीम HDR के साथ, अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जायरो भी वर्किंग मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे गेम प्ले कर लेते हैं। 60 FPS तक का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि 59 आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, नाइस शॉट। Down.
me. Reloading. Target down. Cover me. यहाँ पर देख सकते हो गेम प्ले जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, विदाउट एनी लैग के आप गेम प्ले कर सकते हो। 60 FPS तक का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो है जैरो बकी की और यहाँ पे आपको जो है परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे लैग या फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा। पिंग भी यहाँ पे प्रॉपर है जो कि आप एक अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे रोम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।